नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि CBSE का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और आपके लिए एक बहुत ही मुख्य खबर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर जो मैं लेकर के आया हूँ। और मैं हमेशा आपको सच्ची और अच्छी खबर देता हूँ, तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि जो भी दोस्त हमारे CBSE कंपार्टमेंट प्राइवेट एग्ज़ाम्स के कैंडिडेट हैं, प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पास में ही होगा दोस्तों, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो दोस्तों, अब मैं बात करूं कि CBSE कंपार्टमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या निकल कर आई है अपडेट। मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल पर आपको सुबह सुबह हमेशा अपडेट करता हूँ, आज भी अपडेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ट्विटर पे अगर आप सर्च करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स, तो जैसा कि आपको दिखेगा, ये देखिए दीप्ति गर्ग 20 मिनट पहले इनका कमेंट था कि सर प्लीज़ हमारा भी जो रिज़ल्ट को निकाल दीजिए, कैंसिल कर दीजिए एग्ज़ाम को, जो कि दोस्तों 16 अगस्त से 15 सितंबर तक होना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि जो लोग नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, नीट का एग्ज़ाम वो कैसे देंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी CBSE ने कल अपना रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया क्लास 12th का, जो रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। लेकिन अब क्या होगा आप सबका दोस्तों, तो इसके लिए बहुत सारे ट्वीट्स, एक आंदोलन चलना चाहिए दोस्तों, जिससे कि आपको न्याय मिले। और CBSE बोर्ड पे और हमारे मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनके वहाँ तक बात पहुँचे और उनको भी ऐसा लगे कि नहीं, बच्चों के साथ ये अन्याय हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, थर्ड वेव जो है कोविड की आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वेव जो है वो कोविड की आ चुकी है। और कैसा बताया जा रहा है दोस्तों कि थर्ड वेव जो है वो और सारे कोविड पेशेंट से या फिर कोविड सिम्टम्स से थोड़ा अलग है, लेकिन इससे बच कर के रहना होगा आपको। जैसा कि मैंने कल बताया था कि कोविड का जो थर्ड वेव है, जो केरल में किस तरीके से ब्लास्टिंग हुई है वहाँ पे केसेस को लेकर के, दोस्तों तो बड़ी बात ये निकल कर सामने आ रही है कि आखिर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई तो अपडेट मिले, चाहे तो लेनी है या नहीं लेनी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्ले कैंसिल कर दिया है, लेकिन दोस्तों हम सबको आशा रखना है कि किस तरीके से, क्योंकि सभी को न्याय मिलेगा, सभी यहाँ बराबर हैं सभी के लिए, और हमारे बच्चे हमारे ही फ्यूचर हैं दोस्तों। आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, आप सभी हमारे फ्यूचर हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय।